यूपी के उन्नाव की कहानी प्यार से शुरू हुई और रेप तक पहुंची। आरोपी गिरफ्तारी हुई, जमानत पर बाहर आए और फिर 5 दिसंबर 2019 को एक सुबह लड़की को सरेआम जिंदा जलाकर मार दिया। कथित प्रेमी समेत 5 लोग फिर गिरफ्तार हुए। 3 साल गुजरे और इनमें से 4 जमानत पर बाहर है। जला दी गई लड़की के घर से बाहर बीते 3 साल से पुलिस तैनात है। उसकी छोटी बहन पढ़ाई लिखाई और अपने सपने छोड़कर ये केस लड़ रही है। उधर आरोपियों की तरफ से भी केस लड़ने की जिम्मेदारी उनकी बहन बेटियां ने ही संभाली है। उन्होंने भी पिता भाइयों को बचाने के लिए सपने कुर्बान कर दिए। ये मामला ऐसे केस में तब्दील हो गया है जिसमें एक बेटी की हत्या के बाद न्याय दिलाने के लिए लड़ी जा रही जंग में बेटियां ही आमने सामने हैं। मरने से पहले आखिरी शब्द उन्होंने ये कहा, मैं 4 दिसंबर की सुबह रायबरेली जाने के लिए बांसवाड़ा बिहार रेलवे स्टेशन जा रही थी। तभी शुभम त्रिवेदी और कुछ लोग ने मुझे घेर लिया, मेरे सिर पर डंडे के कई बार मारा, गले पर चाकू से हमला किया। वो लोग कैन में कुछ भरकर लाए थे, वह मुझ पर डाल दिया और आग लगा दी। मैं जान बचाने के लिए भागने लगी। ये बयान लड़की ने मरने से पहले पुलिस को दिया था। कभी रायबरेली केस में जाना पड़ता है रेप वाले में, तो कभी मर्डर केस में उन्नाव जाना पड़ता है। मेरा भतीजा गायब हो गया, उसमें भी सर भाग दौड़ लगी है। बहुत बार ऐसा हुआ कि जैसे हम कोर्ट वोट जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा पीछा करता है, और साथ में महिलाएं रहती हैं, कभी कहो ना तो कहती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार मैंने ये बात मतलब थाने में भी बताई है। हम दोनों बहनों का सपना था कि हम दोनों पुलिस में भर्ती हों, पर सर वो सपना तो ना पूरा हुआ। अब हम अपना केस देखें, परिवार देखें या अपनी ज़िंदगी देखें, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या करें। सर सिर्फ खेल रहा था और खेलते खेलते बस यही पास ही में दुकान है, बस सिर्फ वहीं तक गया था और जो एक लोग और हैं पास में उनसे उठवा ही लिया था, यही सब लोग ने उठाया था। 3 साल तो हो गए, न शासन न प्रशासन, उच्च अधिकारी कोई भी साथ ढूंढता ही नहीं, ना कोई साथ देता है, जो कुछ भी बोलो। हमारी लड़की को जलाया गया और इतने दिन हो गए, अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ, और मुजरिम भी जो थे वो भी छोड़ दिए गए। उसके बावजूद मेरा जो नाती था वो गायब हो गया। हम 29 महीने 6 दिन में निकले जिला कारागार उन्नाव से, कि मैं लगातार 3 बार प्रधान रहा। लोगों को यो था कि हम अगर ये रहेगा तो मैं प्रधानी जीत नहीं पाऊंगा, उसी की राजनीतिक हमारा, हमारे बच्चे का, हम सब लोगों का राजनीतिक शिकार किया गया। ये सब हो जाने के बाद फिर हमने, हमारे ऊपर परिवार की बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी थी, मुझसे छोटी 2 बहनें थी उनको भी पढ़ाना था और प्लस भाई पापा को भी छुड़ाना था। हमने ये सोचा कि हमको किसी तरह अपने भाई पापा को घर लेके आना है।